हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलांग चंदा से। अभी जस्ट मैं ब्लेसिंग देके उठी हूँ और वो ब्लेसिंग आप कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ने मुझे मैसेज किया था कि माँ हमें आप अपनी ब्लेसिंग दे दो, वही बहुत है। और मैं रोज़ ब्लेसिंग देती हूँ लेकिन उन्हें मेरी दी हुई ब्लेसिंग चाहिए, तो दे रही हूँ मैं ब्लेसिंग दिया है मैंने, क्योंकि मेरा दिल और दिमाग कहीं और लगा है। लेकिन आज भी बहुत गुस्सा आया है। मैं तो कल निकल ही रही हूँ कोलकाता के लिए, लेकिन मेरा बात बोलने का है कि जो लोग मेरा रास्ता रोक रहे हैं, मेरी विंध्यवासिनी माँ के पास जाने से रोक रहे, मेरी माँ काली के पास जाने से रोक रहे, उन्होंने एक बार भी ये बात नहीं सोची कि ये औरत जिद्दी औरत है, ये जहाँ जाना है वहाँ जाके रहेगी, उसके बाद जो हमारी बैंड बजाएगी वो बहुत बड़ा करेगी। ऐसी बात आपको पता है, जितने लोग जो पहले मेरे पास काम कर चुके हैं, जिन लोगों ने बेईमानी करके भागे हैं ना, वो लोग आज की तारीख में हमें बाहर से पता चलता है कि वो लोग आज की तारीख में लोगों से भीख मांग रहे हैं कि हमको काम हो तो बताओ, जो कि हमने कुछ लोगों को सामने से पहले कहा था। लेकिन एक बात बताओ, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, यहाँ का यहीं भर देगा। और दूसरी बात, मैं यहाँ का यहीं भरने वालों में से नहीं हूँ, मैं भरवाने वालों में से हूँ। जो गलती करेगा उसको भरवाऊँगी। जो लोगों ने अड़चन डाली, वो लोग ने इसलिए अड़चन डाली कि उनके दिल में ऐसा डर है, क्योंकि मेरे गुरु ने भी कहा कि हम लोग इतनी पूजा कर रहे हैं लेकिन तू सोच, तेरे बातों से तुझसे इतना डर है लोगों को कि तू किसी भी हालत में यहाँ से अपने विंध्याचल तक, कुलदेवी तक नहीं जाना चाहिए। क्योंकि सबको पता है कि अगर तू कुलदेवी तक सिर्फ पहुँच गई, तू कुछ करे चाहे ना करे, तेरी देवी सबकी बैंड बजाना शुरू कर देगी। क्योंकि बीच में हाल ही में जो भी तेरे साथ कितनी सारी चीज़ें लोगों ने बुरी करने की कोशिश की, तुझे तेरे घर कहते ना गोराई से भगाने की कोशिश की, तेरे घर से भगाने की कोशिश की, घर खाली कराने की कोशिश की, यहाँ से तेरा नामो निशान मिटाने की कोशिश की, अब उन्हें ये डर है, तेरा बच्चा भी उन्होंने ले लिया। 4 साल तक औरत पेट में बच्चा लेके घूम रही थी। उन लोगों ने, जितने लोगों ने ये गलत काम किया ना, सबको भी इस दिल में ये डर बसा है कि ये पूरे 1 साल के बाद अपनी कुलदेवी के पास जा रही है, ऊपर से कोलकाता माँ काली के पास जा रही है, तो ये कुछ करे ना करे, लेकिन वो जो करेंगे वो बहुत बड़ा करेंगे, क्योंकि वो तो माँ है ना। ये बात है, तो ये बात के डर की वजह से लोग पूरी कोशिश कर रहे, एड़ी कर कुछ नहीं पाएंगे, उखाड़ हमारा कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे, एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे कि तू वहाँ तक ना जा पाए। तो अब मेरा रास्ता नहीं रोक रहे हो, मेरी माता रानी से भिड़ रहे हो। कोई नहीं, भिड़ना है भिड़ो। मैं एक ही बात बता रही हूँ, जिस दिन मैं, जब भी मैं तो जाऊँगी, चाहे कुछ भी करके जाऊँगी, मैं जैसे ही वहाँ कोलकाता पहुँचूँगी और नीम तल्ला शमशान पहुँचूँगी, सबसे पहला ताला और सबसे पहले दारू का खंभा इसी बात का दूँगी कि जिसने जिसने मेरा यहाँ आने का रास्ता रोका है, मेरे बॉम्बे पहुँचने तो उनका सब कुछ ख़त्म हो जाना चाहिए। हम देश के नागरिकों का ये काम नहीं है, हम देश के नागरिकों का ये काम नहीं है कि किसी का रेप का बात सुनो और बैठो शांति से। मेरी माँ काली का संदेश है वहाँ तक आने का। अचानक से मेरी माँ काली ने बुला और ये चीज़ें हुई हैं। एक बच्ची के साथ 11 दरिंदों ने, सब लोगों ने मिलकर उसके साथ रेप किया है, उसको इंसाफ दिलाने के लिए मैं क्या उससे मिलने, उसके परिवार से मिलने जा रही, बस मैं उसके वहाँ उसकी जगह पर जाके वहाँ पूजा करना चाहती हूँ। शायद उसकी आत्मा मुझसे जुड़ चुकी है, कहीं ना कहीं मुझे उसकी आहट पता चल रही है कि वो किस तरह से वहाँ तड़प रही है, कितने सपने देखे थे, कितनी चीज़ें उसकी तोड़ दी। अगर आज हमने एक को सज़ा नहीं दी तो कितनी और बच्चियाँ ऐसे बाहर निकलने से डरेंगी। मैं उस काम से जा रही हूँ। और बाकी जहाँ तक दुश्मनी की बात रही, तो जिनको जो करना था कर चुके हैं, अब जब तुमने करते समय नहीं सोचा तो भोगते समय क्यों सोचोगे। तुमने अगर मेरे साथ गलत किया है तो माता रानी तुम्हें बात की सज़ा देंगी, चाहे मैं विंध्याचल जाऊँ चाहे नहीं जाऊँ। पिछले साल मैं कहाँ गई थी, पिछले साल तो मैं विंध्याचल गई भी नहीं थी, मैं यहीं थी, मैं यहीं जन्माष्टमी की तैयारी कर रही थी, और माँ ने जन्माष्टमी तक ही मेरे दुश्मनों को उठा लिया था। मैं वहाँ जाऊँ ना जाऊँ वो अपना काम ज़रूर करेंगी, ये बात याद रखना। और मैं तो वहाँ जाके रहूँगी, क्योंकि मुझे अब सबसे पहले वहाँ पहुँचना है जहाँ उस बच्ची का हुआ है, क्योंकि हम एक देश के नागरिक हैं। मैं अगर मेरे पूजा पाठ का इस्तेमाल अगर अब नहीं होगा तो कब होगा। फिर मुझे इतना पूजा पाठ, इतनी PhD करके क्या मतलब है कि मैं किसी लड़की को इंसाफ न दिला सकूँ, और किसी लड़की के साथ अगर गलत हुआ है तो उसके लोगों को मार ना सकूँ। देख लीजिएगा, आएगी खबर किसी की मौत हो गई, किसी के एक्सीडेंट में मौत हो गई, किसी के हार्ट अटैक में मौत हो गई, ऐसे कुछ करके आएगी। होगा वही जैसा मैं चाहूँगी, जितनी गंदी तरीके से उस लड़की के साथ गलत किया ना, उतनी गंदी तरीके से उनके साथ अपने आप कुछ ना कुछ होगा, शक्तियाँ जाके उन्हें मार देंगी। और उसकी पहचान और कोई नहीं, वो खुद लड़की की आत्मा हमें बताएगी कि ये दरिंदे थे, मुझे इस तरह से मारा गया था और इसको इस तरह से मारो, वो खुद वो चीज़ करेगी। आप सोचो कोलकाता में इतने रेड लाइट एरिया हैं, 100 रुपये 50 रुपये में औरतें मिलती हैं,
फिर भी आप लोग, हमारे महाराष्ट्र में तो चलो वो है नहीं, सब जगह पे वैसे बैन है, लेकिन वहाँ तो है। वहाँ होने के बाद भी अगर आदमी को किसी की इज्जत को खेलना लूटना पड़े तो कैसे चलेगा। और इस मुहिम को मैं पूरा करूँगी। देखिए, हर वक्त सिर्फ पैसों से हर चीज़ से काम नहीं किया जाता है, कभी कभी कुछ काम ऐसे करने चाहिए जो देश के भले के लिए। हम बॉर्डर पे जाके लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, लेकिन हम ऐसा, मैं विद्या देवी इतना काम तो कर सकती हूँ कि मेरे पूजे में इतना दम है कि मैं सामने वाले को पागल कर सकता हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात का है कि जिन लोगों ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, मुझे नहीं पता एनी थिंग कौन है, लेकिन मुझे ये जानना ज़रूरी है कि जो हैं उनका वो पता मुझे कैसे चलेगा जब उनके साथ कुछ कांड होगा। ये बात है, तुम्हारा डर तुम्हारे मुँह पर साफ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों ने रास्ता रोकने की कोशिश की, पूरा डर साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उस डर से मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे जो काम करना है मैं करके रहूँगी। मैंने अगर कोई चीज़ जीत ठान ली कि मुझे इस जगह जाना है, काम करना है, तो मैं करूँगी ही करूँगी। फिर उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी रुकावट आए, मैं किसी की रुकावट नहीं देखती हूँ, क्योंकि मैं अपने काम में ध्यान देती हूँ। ना मैं मरने से डरती हूँ, ना मैं किसी चीज़ से डरती हूँ, ना मैं दुश्मनों से डरती हूँ। क्या बिगाड़ेंगे भला जमाने वाले, मेरा ख्वाजा मेरा दाता अभी अब अजमेर में है। हम दुश्मनों के बीच में रहते हैं शान से, हम चिश्ती जी वाले हैं, अरे हम ख्वाजा जी वाले हैं, मेरी माता जी वाले, हम दुश्मनों के बीच में बड़ी शान से रहते हैं। तो बस देखो मज़ा क्या होता है। ठीक है, शक्तियाँ लग चुकी हैं, सबके सब लग चुके हैं, हाजिदा सुनीता सब लगे हैं। जो होगा वो बड़ा और बहुत ख़तरनाक होगा, बस आप उसके लिए तैयार रहिए कि आपके साथ क्या होगा। मेरा मत सोचिए, मैं मर भी गई तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मरने के बाद की ज़िंदगी मेरी बहुत बड़ी है। मैं तो वेट कर रही हूँ कि आज मरूँ कल मरूँ, उसके बाद जो ज़िंदगी मिलेगी तब तो मुझे कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बगैर मेहनत के मैं लोगों को मार काट सकती हूँ। ठीक है, बस वेट करो, जो तुमने किया है ना, तुम्हारा किया तुम्हारे सामने आएगा, ऐसी बात है। ठीक है, अब क्योंकि अभी जन्माष्टमी आ रहा है, जन्माष्टमी होली और दिवाली की रात से भी बड़ी होती है। उस दिन साक्षात मेरी जगत जननी माँ विंध्यवासिनी ने अवतरण लिया था, तो वो अपने जन्मदिन के दिन अपनी बेटी को इतना गिफ्ट नहीं देंगी कि जिन्होंने, जिन लोगों ने मिलकर मेरे केशों को छीना है, क्या उनको उनके किए की सज़ा नहीं देगी मेरी माँ। जिसने मेरे बच्चों को अनाथ होने के लिए, मुझे मारने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाया था, गुंडे भेजे थे, मेरी माँ विंध्यवासिनी ने उसको अपने जन्मदिन के दिन ऊपर बुला लिया, तो जिन लोगों ने मेरे केशों को लिया है, क्या लगता है वो नानी उसको छोड़ेगी। माँ, मैं विंध्यवासिनी माँ की बेटी हूँ, तो मेरा होने वाला केशव उनका नाती था ना, तो नानी अपना बदला तो लेगी। तो वेट एंड वॉच, जो तुमने किया है तुम्हें उस चीज़ को भुगतना पड़ेगा, बात खत्म। नहीं किया तो किसी बात का डर ही नहीं है। और जिसने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की है उसकी भी बहुत बिल, कितने लोगों ने एंड टाइम पे मुझे धोखा दिया है, मालूम होते हुए कि मैं गांव में जाने वाली विंध्याचल, एंड टाइम पे मेरे साथ कुछ ऐसी बातें हुई हैं रुकावट डालने के लिए, ज़बरदस्ती का। एक बात याद रखना, अगर मैंने तुम लोगों की ज़िंदगी का सत्यानाश नहीं किया ना, मेरा नाम बदल देना, मुझे सिर्फ गाँव पहुँचने दो। तुम लोगों ने जितनी होशियारी जितना दिखाई ना आजीवन, चाहे किसी भी भगवान को मानते रहो, ये बात याद रखना कि मैं भगवान की बेटी हूँ। तुम जिस भी भगवान को मानोगे, भगवान पहले यही बोलेगा कि तुमको किसी के साथ भी धोखा देने से पहले 50 बार सोचना चाहिए कि हम किसको धोखा दे रहे हैं। तुम अगर किसी को धोखा दोगे, भगवान तुम्हारी कभी नहीं सुनेगा, और जिस मकसद से दोगे वो मकसद पूरा नहीं होने देगा, ये बात याद रखना। और जितने लोगों ने अभी ये 2-4 दिनों में ये कोशिश की ना, अगर मैंने उन लोगों की ज़िंदगी का सत्यानाश नहीं किया, एक एक रुपये का मोहताज नहीं किया, तो मेरा नाम बदल देना। बस मज़ा देखो मैं क्या करती हूँ। ठीक है।